नमस्कार, मैं हूं शिवानी अग्निहोत्री और हमारी खास सीरीज़ हेलो किसान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐप की जिसके जरिए किसान अपने खेत में बैठकर खुद अपनी फसल की गिरदावरी करवा सकता है। राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक ऐसा ही बेहतरीन ऐप लॉन्च किया गया है जो खेती की निगरानी नहीं बल्कि खेत का इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण भी करेगा। इस ऐप का नाम है किसान गिरदावरी ऐप। किसानों के लिए फसलों की गिरदावरी करवाना बेहद महत्वपूर्ण काम होता है क्योंकि उसी के आधार पर किसानों को मुआवजा मिलता है, मगर ज़्यादातर किसानों को गिरदावरी के लिए पटवारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं पटवारी भी अपने काम की वजह से समय पर गिरदावरी नहीं कर पाते। ऐसे में इस काम को सरल करने और हर किसान को अपनी फसल की खुद जांच करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस ऐप की खासियत को जान लें। गिरदावरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जमीन का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, जैसे कि कितनी जमीन पर खेती की गई है, खेत में कौन सी फसल बोई है और बोने में सिंचाई कैसे की गई है। किसानों की अच्छी पैदावार के लिए खेत और अपनी फसल का निरीक्षण कृषि वैज्ञानिकों से समय समय पर करवाते रहते हैं, जिसके लिए उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अब किसान अपने खेत में बैठकर खुद अपनी फसल की गिरदावरी कर सकता है। इस ऐप की मदद से किसान किसी भी समय अपने खेत की निगरानी आसानी से कर सकते हैं। इस ऐप को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है किसी भी तरह के जंगली जानवर से फसल को नुकसान न पहुंचे। इस ऐप के जरिए किसानों को फसल की गिरदावरी के लिए पटवारियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि कैसे किसान इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान सबसे पहले अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से किसान गिरदावरी ऐप को डाउनलोड करें और अपने आधार नंबर की मदद से लॉगिन करें। इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और वेरिफिकेशन के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। उसमें किसानों को अपना जिला, तहसील और गांव चुनना होगा। इसके बाद आपको अपने खेत का खाता नंबर ऐड करना होगा, जिसमें गिरदावरी सीजन और फसल का चयन करना होगा और खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्ज कराना होगा। इसके बाद आपको खेत खाते में बोई गई फसल की साफ फोटो अपलोड करनी होगी। इस फोटो से ये पता लगना चाहिए कि फसल सिंचित है या असिंचित है और सिंचाई का साधन क्या है। साथ ही फलदार पेड़ों की संख्या अगर कोई है तो वो भी आपको बतानी होगी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद प्रिंट व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करें और फिर उसके बाद सबमिट करें, जिसके बाद गिरदावरी सबमिट हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल हो जाएगा। बता दें कि यह गिरदावरी की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया उस खेत में खड़े होकर पूरी करनी होगी जिसकी गिरदावरी किसान कराना चाहते हैं। हेलो किसान के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।